नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। खबर आ रही हरियाणा से। आपको बता दें, वरिष्ठ भाजपा नेत्री नेहा धवन को सर्व पंजाबी खत्री समाज द्वारा समाज में उनकी राजनीतिक और सामाजिक भूमिका के लिए समाज रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम भिवानी में पंजाबी कम्युनिटी सेंटर में अभिनंदन समारोह के नाम से आयोजित किया गया। इस आयोजन में पंजाबी खत्री और अरोड़ा समाज के वरिष्ठ लोगों ने उनके श्रेष्ठ कार्यों के लिए उनका अभिनंदन कर उन्हें समाज रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। आपको बता दें, नेहा धवन पिछले लगभग 8 सालों से राजनीति में एक्टिव हैं और वो हरियाणा में सामान्य समरसता की मिसाल बनते हुए समाज के हर वर्ग के लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। नेहा धवन को समाज रत्न अवार्ड जींद के विधायक कृष्णा मेढ़ा आदि के हाथों प्राप्त हुआ। पंजाबी समाज ने उन्हें सम्मान से पगड़ी, शाल, चद्दर और स्मृति चिन्ह देकर उनका मान सम्मान बढ़ाया। इस अवसर पर नेहा धवन ने खासकर वहां उपस्थित पंजाबी समाज के बुजुर्गों के बलिदान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के वक्त, विभाजन के वक्त 10 लाख शहीद वीरों और वीरांगनाओं के बलिदान को सम्मान देते हुए विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा कर उसे पिछले साल मनाया गया और याद किया। इस अवसर पर भिवानी के हर्षदीप डुडेजा का भी सभी संस्थानों और वरिष्ठ जनों ने सम्मान किया। नेहा धवन ने उन्हें तलवार भेंट की। पंजाबी समाज ने भाजपा पार्टी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने नेहा धवन को प्रदेश प्रवक्ता जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और हर्षदीप को जिला उपाध्यक्ष दी। इस अवसर पर हजारों की संख्या में समाज के लोग इकट्ठे हुए, दो हॉल खचाखच भरे रहे। नेहा धवन ने समाज रत्न अवार्ड प्राप्त कर अपने समाज का आभार व्यक्त किया और समाज और देश के लिए हमेशा काम आने का वादा किया। देखिए दिनेश मेहता की ये रिपोर्ट। और आगे रहेगा हमारे मोक्ष जी की कक्कड़ के प्यार में भंगे रहे सभी साथी दीपक जी सोलंकी, एक हनुमान जी की गजल आए हैं, उनकी इच्छा में पहले हम सम्मानित करेंगे आप जी को। अगला कार्यक्रम बाद में करना। एक गदा सुभाष जी तवर, कोई बात नहीं, मेरा तो कुछ है ना, आप कृपया मंच पर आए। सुनील सामने, सम्मानित कर रहे हैं हरदीप जी को तलवार से। ये जिंदगी के मेले हैं। इतना विश्वास जताया, अपनी टीम में रखा। मैं बड़े भाई मुकेश गोड जी का धन्यवाद करता हूं और बताना चाहूंगा कि समाज को हमेशा आदरणीय करने के लिए सीट मदनलाल खेड़ा की जयंती इस इंसान ने मनाई।
आज तक कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी बिरादरी ने दूसरी बिरादरी के लिए जयंती मनाई हो। और हर पल हम समाज के जहां न कहां भी पिछड़ रहे हैं उसको आगे लाने के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ऐसे मेरे बड़े भाई मुकेश गौड़ जी का सहज धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस वक्त नवाजा। आपकी धन्यवाद और यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नेहा धवन जी, आज विशेष अवसर पर जो हम एकत्रित हुए हैं हर्षदीप जुड़ेजा जी के इस कार्यक्रम पर, कुछ साथियों ने बताने का काम किया और कुछ एक ने ये भी कहा कि मुझसे पहले टिकटों को लेकर भी बात चली और राजनीति में अपने आप को साबित करने की बात चली।